नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कार्बन X21 वर्सेस Xiaomi Redmi 9A Sport का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो कार्बन X21 में 5.81 इंच जबकि Redmi 9A Sport में 6.49 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो कार्बन X21 में 2.83 इंच जबकि Redmi 9A Sport में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो कार्बन X21 में 0.37 इंच जबकि Redmi 9A Sport में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो कार्बन X21 में 160 ग्राम जबकि Redmi 9A Sport में 194 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि कार्बन X21 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही कार्बन X21 में 18:9 जबकि Redmi 9A Sport में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो कार्बन X21 में 5.45 इंचेस जबकि Redmi 9A Sport में 6.53 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन कार्बन X21 में 720x1440 और Redmi 9A Sport में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो कार्बन X21 में 72.38% जबकि Redmi 9A Sport में 81.08% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो कार्बन X21 में 295 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Redmi 9A Sport में 269 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो कार्बन X21 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। और Redmi 9A Sport की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो कार्बन X21 में 3 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Redmi 9A Sport की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो कार्बन X21 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Redmi 9A Sport में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 2 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो कार्बन X21 में पावर GE8322 जबकि Redmi 9A Sport में पावर GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो कार्बन X21 में यूनिसॉक SC9863 और Redmi 9A Sport में MediaTek Helio G25 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 2GB RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 32GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो कार्बन X21 में अप टू 256GB जबकि Redmi 9A Sport में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो कार्बन X21 में Android V10 जबकि Redmi 9A Sport में Android V10Q देखने को मिलती है। बैटरी कार्बन X21 में 3000 mAh जबकि Redmi 9A Sport में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो कार्बन X21 में 2 कलर्स जबकि Redmi 9A Sport में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
कार्बन X21 2GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ 6499 रुपीस में मिल जाता है। और बात करें Redmi 9A Sport की तो वो 2GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ 6999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में दो फायदे और एक नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में Redmi 9A Sport आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Mark M3 Smart है जो कि 6199 रुपए में मिलता है। दूसरा Lava Z2S है जो कि 7299 रुपए में मिलता है। तीसरा LG W11 है जो कि 7987 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme C11 है जो कि 7690 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।